डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनकी जिंदगी से सभी प्रेरित हैं और बच्चा बच्चा ये कहता है मैं कलाम हूँ। क्या नाम है आपका? मैं कलाम हूँ। कुछ बड़ी अनोखी बातें डॉक्टर अब्दुल कलाम की जिंदगी से जुड़ी सामने आती हैं। एक मर्तबा इन्होंने अपनी बिल्डिंग की खिड़की पे टूटा हुआ कांच लगाने से इनकार कर दिया, जो कि सुरक्षा की नजर से बहुत जरूरी था। उन टूटे हुए कांच के टुकड़ों को देखकर कलाम साहब ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पक्षियों के लिए घातक होगा। बचपन मुफलिसी में गुजरा इनका और उसके बाद ऐसी उड़ान भरी कि इनकी उड़ान की अग्नि भारत की रक्षक बनी। कैसे किंग? कैसे किंग नहीं, कैसे कलाम? कलाम! कलाम साहब ने अपनी जिंदगी भर की कमाई और सेविंग्स एक ट्रस्ट के नाम कर दी, जिसका नाम है प्योरा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। हमारे को बस एक बार दिल्ली जाना है प्रेसिडेंट साहब को थैंक यू बोलने के लिए। जहां एक तरफ डीआरडीओ में ये काम करते रहे, वहीं दूसरी तरफ राजनीति के गलियारों में भी इनका नाम गूंजता रहा। पर कलाम साहब ने हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ अपना संबंध और मजबूत बनाए रखा। आदरणीय राष्ट्रपति साहब, थोड़ी लिखी बहुत समझना, चिट्ठी को तार समझ के जल्दी जवाब देना। मैं ढाबे में काम करने वाला एक बच्चा हूँ जिसकी जिंदगी आपने बदल दी। मैं समझ गया कि हर बच्चा लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है और राष्ट्रपति कलाम भी बन सकता है। बस इतना ही कहना है और हाँ, थैंक यू भी बोलना है। एक मर्तबा इन्हें कॉलेज इवेंट में जाना था बतौर चीफ गेस्ट। कलाम साहब एक रात पहले ही बच्चों की मेहनत देखने के लिए वहाँ पहुँच गए। उनका ये कहना था, जब मैं इवेंट देखूंगा वो तो नतीजा होगा, पर मैं वाकई असली मेहनती लोगों से मिलना चाहता था जिन्होंने ये मेहनत की है। यही वजह है कि बच्चे कलाम साहब का नाम सुनते ही उत्साहित हो जाते हैं। अरे ये कौन है जिसे सब कम्मागनी कर रहे हैं? अरे ये हमारे देश के राष्ट्रपति कलाम जी हैं, सबसे बड़ा राजा। फिल्म आई एम कलाम की इतनी चर्चा हुई कि कलाम साहब ने अपने घर पे इस फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी। उनका यह भी कहना था कि इस फिल्म को देखने के बाद मैं अपनी बचपन की यादों में खो गया। उनका विश्वास है कि इंसान अपने कर्म से अपनी किस्मत बदल सकता है। वे कहते हैं कि जिंदगी में सफलता चार चीजों से मिलती है। पहला, जिंदगी का लक्ष्य तय करो। दूसरा, अच्छी शिक्षा। तीसरा, कड़ी मेहनत। और चौथा, धैर्य। कलाम साहब ने हमें उड़ना जरूर सिखाया, पर जमीन पे अपनी जड़ों को छोड़ना नहीं। एक मर्तबा एक इवेंट के दौरान कलाम साहब ने कुर्सी पे बैठने से इनकार कर दिया था। जब सबने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी कुर्सी बाकी के लोगों की कुर्सियों से बड़ी है, लिहाजा या तो हम सबकी कुर्सियां बड़ी हों या फिर मुझे भी वैसी ही कुर्सी पे बिठाया जाए जिन पर बाकी के लोग बैठे हैं। कलाम साहब ने हमेशा माना कि मैं राजा नहीं, देश का सेवक हूँ। भारत के इस होनहार बेटे को हमारा सलाम।